विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप के बायोस में क्या चेंजेस करने हैं, ये जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। और आपको एक विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, जिसे बूट करा के आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये पेन ड्राइव कैसे बनानी है, अगर आपको ये नहीं पता तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पर दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इन वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जब आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लेते हैं तो अब आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को बूट कराना है। और बूट कराने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने कंप्यूटर का सीमॉस सेटअप ओपन करें और उसमें बूट सीक्वेंस पर जाकर के फर्स्ट बूट डिवाइस में आप उस पेन ड्राइव को सेलेक्ट करें जिसमें विंडोज 11 का सेटअप है, यानी कि जो आपने अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है विंडो 11 की, वहां पे उस पेन ड्राइव को आप सेलेक्ट कीजिए और सेव करके बाहर आ जाइए। और दूसरा तरीका यह है कि आप बूट मीनू के थ्रू भी उस पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को बूट करा सकते हैं। तो मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर में जिगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड लगा है, तो इसमें जो बूट मीनू है वो F12 से ओपन होता है। और आपके कंप्यूटर में ये की चेंज हो सकती है, ये F10 या एस्केप की हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप कौन सी मेक का है और कौन से मॉडल का है। तो ये जानने के लिए आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो बूट मीनू के थ्रू अगर आप अपने कंप्यूटर को बूट करा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे सेम पेन ड्राइव के, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर को HP कंपनी के पेन ड्राइव से बूट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन के आगे UEFI नहीं लिखा हुआ, दूसरे ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ है। तो हमको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसके आगे UEFI लिखा है, तो आपका कंप्यूटर जो है पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। और आपके सामने ये पहली स्क्रीन आएगी, तो यहां पे हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेंटर में आपको इंस्टॉल नाउ का एक बटन दिख रहा है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब अगर आपके पास विंडोज 11 की प्रोडक्ट की है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि ये ट्रायल वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको विंडोज के कई वर्जन देखने को मिल रहे होंगे, तो जिस भी वर्जन को आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं उस वर्जन को आप सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो अब हमको यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए आप ये जो स्क्वायर सा एक छोटा सा आइकन देख रहे हैं, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट बटन जो है हाईलाइटेड हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड का और दूसरा आ रहा है कस्टम का। तो जो अपग्रेड ऑप्शन है वो हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हम विंडोज को अपग्रेड करा रहे हो। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, 8 है या फिर विंडोज 10 इंस्टॉल थी, अब आप उस पे विंडोज 11 अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो अपग्रेड ऑप्शन को यहां से आप तब सेलेक्ट कीजिए जब आपके कंप्यूटर में जेन्युइन विंडो पड़ी हो, यानी कि ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल हो, और जो सेटअप आप रन कर रहे हैं ये भी जेन्युइन होना चाहिए, तभी ये अपग्रेड ऑप्शन जो है काम करेगा। अदरवाइज आप अगर ओरिजिनल विंडो पे इसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये ट्रायल है तो ये रजिस्टर्ड नहीं होगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो कस्टम का है, इसको हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमको पुराने पार्टीशन में विंडो को इंस्टॉल करना है, यानी कि आपके पास विंडोज 10 इंस्टॉल है और उसी पार्टीशन में आप विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप नई हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो को, तो भी आप कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे उस पार्टीशन को सेलेक्ट करना है जिसमें आप विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अगर आप उस पार्टीशन को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें विंडोज 10 या 7 या 8 ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो उस ऑप्शन को फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, उस पार्टीशन को सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग आएगी कि आपका यहाँ पे डाटा लॉस हो जाएगा। तो फॉर्मेट करने से पहले आप अपने इम्पोर्टेंट डाटा का बैकअप जरूर बना लें। तो इसी चीज की हमको यहाँ पे वार्निंग भी शो हो रही है, तो हमको यहाँ पे ओके करना है। तो
तो जब आप इसको फॉर्मेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक पार्टीशन और नजर आएगा रिकवरी के नाम से, तो इस पार्टीशन को भी आपको फॉर्मेट करना है सेम वैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करके। वो इसलिए करना होता है कि जो प्रीवियस विंडो की जो इन्फॉर्मेशन है इस पार्टीशन में होती है, अगर आप इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे तो जब आपका कंप्यूटर बूट होगा तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाने लगेगा, प्रीवियस विंडो और विंडो 11। तो उस मेनू को भी हम अंदर से हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ इसको फॉर्मेट कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट विंडो 11 इंस्टॉल होगी। तो जब आप इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं तब आपको क्या करना है, उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है जिस पार्टीशन में आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है। तो ये जो मेथड अभी मैंने बताया है इसका यूज हम तब करेंगे जब हम पुरानी हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पार्टीशन वगैरह सब होते हैं। लेकिन अगर हम नई हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको कैसे पार्टीशन क्रिएट करने हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, इन पार्टीशन को डिलीट कर देते हैं वन बाय वन। तो जब आप नई हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको वो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी दिखाएगा, जो भी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आपने अपने कंप्यूटर में लगाई हुई है। तो ये 1 TB की हार्ड डिस्क है और इसकी यहाँ पे कैपेसिटी आप देख सकते हैं 931.5 GB शो हो रही है। तो इसमें आप एक या दो या तीन अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टीशन कर सकते हैं। और पार्टीशन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो न्यू ऑप्शन आ रहा है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू एंटर करनी है जिस वैल्यू का पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर आप पूरा एक ही पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आप सीधे अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना है, तो इसमें एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा और इसके साथ ये कुछ जो है विंडो में यूज होने वाले पार्टीशन भी दो क्रिएट हो जाते हैं, जिनका नाम है सिस्टम और MSRP, ये रिजर्व होता है। तो अब हमको क्या करना है, उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है जिसमें हम विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये 931.4 GB वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब आपकी जो विंडो की इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, और इस बीच ये कई बार रीस्टार्ट होगा अपने आप, आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं कंप्यूटर को, क्योंकि ये हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेगा तो ये एक दो बार रीस्टार्ट हो सकता है। अब हमको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप यस पे क्लिक कीजिए। अब इस ऑप्शन में आपको अपने कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है, तो लिस्ट में से हम क्या करेंगे, इंग्लिश इंडिया वाले लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड की कोई दूसरी लेआउट को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, उसके लिए आप ऐड लेआउट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेआउट्स आएंगी, तो उसमें से आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और दूसरी कीबोर्ड के लेआउट ऐड नहीं करनी तो आप स्किप पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, और ये कोई जरूरी नहीं है, तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आई डोंट हैव इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने दोबारा से ये ऑप्शन आएगा। तो अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चलना है। अब हमको यहाँ पे एक यूजर बनाना है, विंडो के जो यूजर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हैं या फिर आप जो भी कोई एक वर्ड टाइप करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब उस यूजर का आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो अगर आप पासवर्ड डालना चाहें तो यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए, अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे विंडो की कुछ एडिशनल सेटिंग्स ओपन होंगी, जिसमें कि लोकेशन और फाइंड माई डिवाइस जैसे ऑप्शन हैं, तो इन ऑप्शन को अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, बाकी आप सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स विंडोज का फर्स्ट लुक है, और हमारे कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज 11 में कुछ चेंजेस हुए हैं।